कभी भी किसी शोभा यात्रा की बात हो, चाहे कभी कांवड़ यात्रा की बात हो, चाहे कभी कोई ईद बकरीद की बात हो। आप जानते हैं 2 साल पहले मौलाना हजरत साद साहब यहाँ आए थे तो हिंदू भाइयों ने भी आगे बढ़ के सब ने मिलजुल कर उसको संभाला था। यहाँ कोई भी काम होता है, चाहे शादी ब्याह हो आपस में, चाहे कोई सुख दुख की बात हो और चाहे कोई धार्मिक बात हो, सब मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। इसलिए मेवात के अंदर ना कभी कोई तनाव था ना तनाव है। कुछ शरारती तत्व इसको कुछ बिगाड़ने की कोशिशों में कामयाब हुए थे, लेकिन वो इसको बिगाड़ नहीं पाए, ना इसे हम बिगड़ने देंगे। और सभी इस बात पे अब हैं कि वो इस तरह की चीज विवाद में नहीं होने दी जाएगी और शांतिपूर्वक सभी धर्म और मजहब का अपना पालन करेंगे, सारी चीज बहुत बढ़िया रहेगी। 22 जुलाई को शोभा यात्रा निकाले जाने की बात सामने आ रही है और शांति बहाल, उस समय आपने काफी मेहनत की थी, उस समय तो किस तरह की अपील आप करना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारा देश पूरी दुनिया के अंदर एक अनूठा देश है कि हम लोग गंगा जमनी तहजीब को मानते हैं और एक दूसरे के धर्म और मजहब की यहाँ इज्जत करते हैं। हमारा भाईचारा पूरे देश में बहुत अच्छा है और मेवात में मैं कहता हूँ सबसे अच्छा है, क्योंकि मेवात के अंदर हम 36 बिरादरी के लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्यार से रहते हैं। यहाँ ना कोई ऊंच नीच है, ना कोई भेदभाव है, अपने धर्म मजहब को मानते हुए दूसरे की इज्जत करते हैं और ताऊ भतीजे के भाई भाई के रिश्ते हमारे ना कभी टूटे हैं। 1947 में जब देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हुआ तब भी हमारे यहाँ कोई इस तरह की बात नहीं हुई कि दिलों में दरार हो, लेकिन कुछ शरारती तत्व एक दो बार मेवात में इस तरह की कोशिश कर चुके हैं कि ये भाईचारा टूटे और इस भाईचारे को ग्रहण लगे। लेकिन मेवात के लोग बहुत जागरूक हैं, मेवात में ना कभी ऐसी चीज हुई है और ना कभी होगी। हमारा प्यार एक दूसरे के साथ है, ये हमारा ऐसा बाग है जिसमें 36 बिरादरी के लोगों रहते हैं, मिलके इसकी देखभाल करते हैं और ये चमन सबका है और इसे ना उजड़ने दिया है ना कभी उजड़ने देंगे। यहाँ आप जानते हैं कि जो 1947 में भी कभी कुछ नहीं हुआ, 1947 में भी जब पूरा देश जलाने की बात हुई तब भी यहाँ के जो वासी थे, जो पुराने थे, वही आज रह रहे हैं, बल्कि जो बाहर से भाई आए 1947 में उनको भी लोगों ने पलकों पर बिठाया। और जो ये हमारे धार्मिक स्थल हैं या किसी भी धर्म मजहब के हों, ये 1947 पे नहीं बल्कि हजारों साल पुराने हैं, इनका सभी मान सम्मान करते हैं। और कभी भी किसी शोभा यात्रा की बात हो, चाहे कभी कांवड़ यात्रा की बात हो, चाहे कभी कोई ईद बकरीद की बात हो, आप जानते हैं 2 साल पहले मौलाना हजरत साद साहब यहाँ आए थे तो हिंदू भाइयों ने भी आगे बढ़ के सब ने मिलजुल कर उसको संभाला था। यहाँ कोई भी काम होता है, चाहे शादी ब्याह हो आपस में, चाहे कोई सुख दुख की बात हो और चाहे कोई धार्मिक बात हो, सब मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं। इसलिए मेवात के अंदर ना कभी कोई तनाव था ना तनाव है। कुछ शरारती तत्व इसको कुछ बिगाड़ने की कोशिशों में कामयाब हुए थे, लेकिन वो इसको बिगाड़ नहीं पाए, ना इसे हम बिगड़ने देंगे। और सभी इस बात पे अब हैं कि वो इस तरह की चीज विवाद में नहीं होने दी जाएगी और शांतिपूर्वक सभी धर्म और मजहब का अपना पालन करेंगे, सारी चीज बहुत बढ़िया रहेगी।